जय हिंद दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आप सभी लोग किसी न किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे, चाहे वो UPSC सिविल सर्विस एग्ज़ाम हो, चाहे वो PSC एग्ज़ाम हो। किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हैं तो स्टार्ट में ये सवाल आता है कि आखिर हम कोचिंग ज्वाइन करें, उसके बाद प्रिपरेशन स्टार्ट करें, या फिर सेल्फ स्टडी करके अपने प्रिपरेशन को स्टार्ट करें। तो आज के इस वीडियो में एक स्टोरी के माध्यम से आपको इसी बात की जानकारी देने वाली हूं। तपस्या परिहार मूल रूप से मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर की रहने वाली हैं। उन्होंने 12वीं तक की पढ़ाई केंद्रीय विद्यालय से की। इसके बाद उन्होंने पुणे के इंडियन लॉ सोसाइटी लॉ कॉलेज से वकालत की पढ़ाई की। वकालत करने के बाद तपस्या परिहार ने UPSC सिविल सर्विस एग्जाम देने का फैसला किया। इसके लिए उन्होंने कोचिंग ज्वाइन कर ली, लेकिन पहले प्रयास में वो प्री परीक्षा में फेल हो गई। पहले प्रयास में असफलता के बाद तपस्या परिहार ने दूसरे प्रयास के लिए खुद मेहनत करने का फैसला किया और सेल्फ स्टडी पर फोकस किया। दूसरे प्रयास के लिए जब तपस्या ने पढ़ाई शुरू की तो उनका टारगेट ज्यादा से ज्यादा नोट्स बनाने और आंसर पेपर सॉल्व करने पर था। तपस्या ने पढ़ाई करने की रणनीति में बदलाव किया और कड़ी मेहनत की। तपस्या की मेहनत रंग लाई और उन्होंने UPSC सिविल सर्विस एग्जाम 2017 में ऑल इंडिया में 23वीं रैंक प्राप्त की। तपस्या परिहार के पिता विश्वास परिहार मूल रूप से किसान हैं। तपस्या के चाचा विनायक परिहार एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और तपस्या को उनका काफी समर्थन मिला। उन्होंने परिवार को जब UPSC सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी करने की इच्छा जाहिर की तो उनके परिवार ने कुछ संकोच किए बिना उनका साथ दिया। तपस्या ने इसी महीने IFS अधिकारी गर्वित गंगवार से शादी की। दोस्तों, अगर आप इस स्टोरी को सुनने के बाद यह डिसीजन लेते हैं कि कोचिंग नहीं करनी चाहिए बल्कि सेल्फ स्टडी से पढ़ाई करके प्रिपरेशन करनी चाहिए, तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिन लोगों को गाइडेंस की जरूरत है वो लोग कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं। जिनके आस पास ऐसे लोग नहीं है जो उनको सही गाइडेंस दे सके तो वो लोग कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं। कोचिंग ज्वाइन करने का मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप बिल्कुल UPSC सिविल सर्विस एग्जाम 100% क्वालिफाई ही कर लेंगे, लेकिन आपको सही गाइडेंस मिल जाता है। उसके बाद जब आप सेल्फ स्टडी करते हैं तो अपने मार्ग से भटकते नहीं हैं और उसके बाद ही आप ये डिसाइड कर पाते हैं कि आपको अपने मंजिल तक पहुँचने में कितना समय लगने वाला है और कितनी तैयारी करनी है। दोस्तों, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें लाइक या कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। UPSC और PSC से रिलेटेड लगभग हर जानकारी हमारे चैनल पर आसान भाषा में दी जाती है। आज के लिए इस वीडियो में केवल इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।